आफ्टर सेलिब्रेशन हालत खराब। ये देखो जेठ खड़ी गई है जी। किसकी है? व्हाट इज दिस खिचड़ी? आपकी। ओके थैंक यू। और ये मैं बन गई आज खिचड़ी। आज हमें लेनी है थोड़ी डाइट प्लान करना है अपना, क्योंकि कल हम लोगों ने बहुत ऑयली और स्पाइसी खा लिया था शाम। ये वंडी आ गई। इनकी खिचड़ी जी पड़ी हुई है। ये लाल मिर्च डालकर खाने का। और ये बंटी खा रही है। ये दोनों बेचारी को मिला नहीं है कुछ भी नहीं मिला फ्रेंड्स। अत्याचार हो रहा है। अत्याचार क्या है? मगर नुकसान कर दें बेचारी को खाना मिला नहीं है। और देखिए ये चावल बीनने लगी बेचारी। आपस में पड़ी इनकी जान। और इन्हें खाना मिला नहीं। हम तो दोनों बंटी और हम खा चुके हैं, क्योंकि हम बहुत खा लिया है। मेरी हैंड कैसी लग रही है आपको बताना जरूर। तुम हाईलाइट कर दो। ये जा रही हैं, देख लीजिए हम लोग घूमने के लिए। और देखिए मैं रेडी हो गई हूँ। आज फिर मैं दोबारा से दावत खाने जा रही हूँ। और ड्रेस मैंने वही डाली है क्योंकि मूड नहीं था दूसरी निकालने का इसलिए। और ये रही। और ये और हम जाने लगे हैं अपने जहाँ जाना है। मैं वहाँ लग रही थी। हम लोग आ गए एक शादी में। अपने ही कोई है खास मिलने वाले उन्हें क्या, तो देखते हैं अंदर जाकर क्या हाल घर का आपको दिखाएंगे। और हम अंदर पहुँच रहे हैं। और मेरा भाई दोनों और बंटी। ये देखिए तीनों बंटी अंदर जा रहे। सब जा रहे हैं वापस। प्रोग्राम खत्म। सब गायब। ओके और क्या रही? मैं तो हेलो गाइस गुड मॉर्निंग। सॉरी ऐसे नहीं करते हैं। नो गंदी बात। सॉरी बोलो ऐसे काहे के लिए गुस्सा हो गया? देखो जे भी छोड़ने आई है। चल बैक हो गो सोनम बैक हो गो
क्या है? भैया भाई को लेकर चल रहे हैं। चलो आप हमारे साथ आ जाओ। मनु ले अच्छा इसकी भी कह रहा है कि जी चलो। गुस्सा हो गए। कोई नहीं, चाची कहाँ रह गई दीदी? ना नहीं बहुत चलते रहे करता है भैया। अभी अभी हुआ हमें खिलाओ बुलाओ नहीं दूध पेट गड़बड़ हो गया। अच्छा जा को कोई दोस्त ना जाता घर में रान वाली है अकस्मात वाले के दोस्त होते है ना। अगर मैं बात हूँ मन में करूँ तो ऐसे कुछ नहीं बस तुम आए ना उधर। हमने कहा कहाँ चलेंगे आंटी? चलो मेरे जैसे ही है ना अच्छा लगा वैसे ही बोल रहा है। तमीज़ से बोलो कर मन बस है देर अब खिला रहा। हाँ रियायत तुम अबे और मारे उल्टो तुम्हें अब मुझे भी गोती ले ले तुझे जा रहा हूँ यार तो फिर रह जाओ अकेले तुम्हें तो वापस अच्छा नहीं लगता अकेले साथ साथ रहना। बाय बाय चल रहे सर अम्मा बुला रही है सर दादी माँ बुला रही है ऊपर बेटा बाय कर दो सबसे तुम्हारे काम आ गया काम वाली तो मेरी चाहती रोज आना अब ना रोए रो। हाँ देख मुंह देखे दीदी मुंह देखा दीदी मुंह चार ऊपर गदा बेटा हो गई क्या कह रहे दे कह रहे बस 100 रुपए ही दिखाई दे रहे ले 100 सो तुम मेरे 100 दिखाई दे रहे खाली। हेलो गाइस आ गई है। बज रहे हैं सुबह के 8:30 अंशुल जा चुके हैं और ये बच्चे पी रही है चाय। बाय वैसे आप लोग का टाइम है जा रहा है ये देखिए गिलास में पिल मेरे पीते हैं हम लोग ठंडी हो जाती है इसलिए ठंडी अच्छी नहीं लगती और ये नमकीन का भी लुफ्त लिया जा रहा है। ये देखिए आ गई है कॉफ़ी रेडियो पर ये बंटी पी रही है आज मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में यही सब चल रहा है चाय पी ली अब इसके बाद हम लोग कॉफ़ी का लुत्फ ले रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारी कॉफ़ी रेडी है और चाय हम ना के बराबर पीते हैं कभी कभार आज मूड कर आया तो हमने पी ली चाय और अब ये रही बंटी और ब्लॉग स्टार्ट सुबह हो गया है मॉर्निंग से ही और मॉर्निंग में अब मेरा भाई जा चुका है भाभी बच्चे दोनों मतलब सब चले गए हैं और मैं रह गई हूँ। मिस यू माई फैमिली मेम्बर फैमिली का एक हिस्सा है वो ऐसा लगता है जैसे अधूरा हो जाता है उन दोनों के बगैर जाने से। छोटा बच्चा मेरे घर में रहता है तो मेरी बंटी को 24 घंटे परेशान करता है प्यार करता है मुझसे लड़ता है
और मुझे उसकी लड़ाई अभी बहुत प्यारी लगती है, लेकिन बड़ा हो जाएगा तो समझदारी होगा। और मॉर्निंग तो आप देख रही हैं कि सुबह से रूटीन शेयर कर रही हूँ, क्या हुआ क्या कर रही हूँ ये सब बताती जा रही हूँ। और आप मेरे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिए, और किसी भी रीजन पर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए प्लीज। झाड़ू पोछा कर पड़ा हुआ तो कूड़ो तो जाता ना, सोच तो कह रहे हम लोग अब मैं लगाने जा रही हूँ झाड़ू। बंटी ने बहुत सारा काम कर लिया है झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद आपसे मिलती हूँ। ये डेकोरेशन ऐसी पड़ी हुई है, देखो बच्चों ने इतने सारे बैलून थे तब छूना बंद कर दिया, बोर हो गए हैं बैलून से। और ये जो बैलून थे मैंने यहाँ पर हैंग करा दिए ताकि ये जल्दी से ख़राब ना हो, इसलिए। देखिए आज बनना है भगवान जी के लिए भोग, भगवान है व्रत, आज एकादशी है। और ये मेरी बंटी कट कर रही है शैलेट, और ये उनके रखे हुए हैं पटेटो, और बनाना है मुझको फ्राइड पटेटो क्योंकि कान्हा जी खाएंगे ये सब चीज़ें। और हम आ चुके हैं किचन में, आप मेरी किचन की देख चुके हैं कि क्या कर रहे हैं हम, और ब्लॉग रहेगा ऐसे ही कहीं। मेरा छोटा बच्चा देखिए ये खाना खा रहा है, और ये अलका उसको खिला रही है, देखते रहिए ऐसे ही ब्लॉग में। ये हैं मेरे लड्डू गोपाल, ये बैठे हैं देखो ब्लैक ड्रेस में, आज इनकी ब्लैक पोशाक निकाली है हमने, बताना जरूर कि आपको कैसे लग रही है इस पोशाक। खाना है ये सब चीज़ें क्योंकि इन्होंने व्रत वैसे तोड़ दिया, सुबह अलका भूल चुकी थी कि एकादशी है तो वो पूरा खाना खा चुके हैं, लेकिन अब उन्हें अपना कुछ बनवाना था स्पेशल तो इसलिए बना रही है मेरी बंटी। मतलब एकादशा है, ये हो रही है आलू फ्राई, और इसका बनेगा आलू का हलवा, और ये रही हमारी दाल गर्म की थाली, लग गई है मेरी थाली, हम लोग खाएंगे खाना। और आप जल्दी से बंद करो फोन को बेटा, गंदी बात होती है, अपने सारे कपड़े क्यों उतार लिए, बहुत जो चिपक रही है लगा इन पर चिपर चिपर हो रही पहुँच कपड़ा से बहुत गंदे उल्टी है रही यहीं पे भाई है और का। तो दूसरे कपड़ा सोची होगा है ना। खाना खाकर आ गई हूँ ऊपर अपने रूम में, और अब मैं लेने जा रही हूँ कपड़े, कपड़े बाहर सूख रहे हैं ना उन्हें उठाने के लिए। मैं आ गई हूँ बाहर कपड़े लेने के लिए, कपड़े मेरे सूख रहे हैं यहाँ पे तो मैं लूँगी कपड़े। कुशन उधर गिर गया, कबार सुन ले आना उधर से आ जाना, ये कपड़े रखे हुए हैं मैं करने जा रही हूँ। इसी में सब रख देती हूँ कपड़े सारे, पेंटी बनियान अपने सब कुछ, ताकि मुझे ढूंढने में प्रॉब्लम हो, सुबह मॉर्निंग में आसान रहता है ये सारे कपड़े इकट्ठे एक साथ ही मिल जाते हैं। और ये रहा हमारा भोग, कान्हा जी ने भोग लगा लिया है, बंटी ने बनाया है इसमें आलू का हलवा और फ्राइड आलू, और पता नहीं ये क्यों कैमरा थोड़ा थोड़ा इधर उधर हिल रहा है। और ये आ गई बंटी, मैंने सारे कपड़े पैक कर लिए हैं तब तक, और मेरी बंटी ने रख भी दिए। अरे आजकल बड़ी खुश होकर बात करने लगी भाई, तभी मेरा ब्लॉग बढ़ा जा रहा है और सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं। यस यस, शाम के बज रहे हैं 5:30, और बंटी को लगी है थोड़ी सी भूख तो खाने लग गए हम लोग नमकीन, और नमकीन खाने के बाद आपसे मिलते हैं। और ऐसे ही बने रहिए मेरे ब्लॉग में, देखते रहिए ब्लॉग में क्या क्या होने वाला है। ये देखिए बंटी जाने लगी है, मैं जाऊंगी, सिर्फ मैं ही जाऊंगी जिम ज्वाइन करने के लिए, बंटी के पास पैसे रहिए मेरे पास बहुत पैसे बकवास करती रहेगी और हम दोनों जा रही है, केवल हम जा रहे हैं, बंटी मेरे साथ जा रही है बात करवाने के लिए मेरे साथ साथ जिम जा रहे हैं, जिम की अपने लिए बात करने के लिए बहुत फेर पड़ गया है। आयुष के रूम में, आयुष की थोड़ी 2 दिन से तबीयत खराब है, इसके स्टमक में पेन है, और देखो बैठा कैसा भोला वाला, इंतजार कर रहे हैं और परेशान भी हो रहे हैं, सॉरी वेट कर रहे हैं इंतजार कर रहे हैं, सेम सर डिफरेंट वर्ड बोल दिया उसके लिए सॉरी।